दादा, आप इतने कंट्रीज में शोज करते हैं, कोई ऐसा यादगार पल जब आप स्टेज पे गा रहे हो? लता जी के साथ फर्स्ट टाइम स्टेज पे शो कर रहा हूँ। मेरी तब बागी और एक दो फिल्में आई थी, खिलाड़ी भी नहीं आई थी। मतलब एक चंचल शोक हसीना जो बागी का गाना था, मैंने अंडर एस्टिमेट किया था कि वो गाना उतना हिट नहीं जितना चांदनी रात है तू मेरे साथ है हिट है। लेकिन मालूम पड़ा कि साउथ अफ्रीका में दैट सॉन्ग हैज बिकम एन एंथम, रेज था। 5 साल तक वो नंबर वन पे वो गाना था। मैं लता जी के साथ गाता रहे, मेरा दिल कोरा कागज था मन मेरा, ये गाता था डुएट। और लता जी ने मेरी तारीफ, लता जी ने आज कहा कि ये लंबी रेस का घोड़ा, बहुत अच्छा गाता। वहाँ पे पूरा बाहर क्राउड था, घेरे हुए था लता जी को मिलने और मुझसे मिलने, तो पूरे सिक्योरिटी लगी हुई थी। जैसे ही मैं नीचे उतरा, लता जी के बगल में खड़ा हुआ, इतना एम्बैरेसिंग था। सामने से दो लड़कियां आई, एक मेरे कंधे में लटक गई और दूसरे ने मुझे मेरी गर्दन पकड़ के, मेरे बाल पकड़ के मुझे स्मूच किया। डर्बन, मेरे मुंह पे, गाल पे लिपस्टिक और ये सब, और वो भी लता जी के सामने। आज तक वो सीन याद आता है सर, मेरे दिमाग डर के मारे मेरे पैर कांपने लगते हैं कि लता जी के सामने ऐसा हुआ। दैट वाज वेरी वेरी बैड एंड वेरी वेरी गंदा। बहुत सारी फीमेल फॉलोइंग है, मेरे ओनली फीमेल फॉलोइंग से, आई डोंट वांट मेन टू फॉलो मी। मेरी बीबी को भी कभी कभी टेंशन हो गया था बीच में, जब मेरे बहुत वो मुझसे बोलने लगी, ये क्या हो रहा है, तुम्हारे इतने फीमेल फैन हो गए, और तुम जब भी देखो कभी भी कहीं पे भी जाते हो, कुछ ना कुछ कहीं पे भी दिखते हो तो हमेशा एक दो फीमेल फैन या किसी के साथ बैठे मिलते हो। तो ऐसा ऐसा मैंने कहा नहीं यार, समझा करो, ये वो हो गया। लेकिन ये सभी सिंगर्स के साथ होते हैं, मेरे से ज़्यादा हमारे एक और सिंगर है, उनके ज़्यादा, उनके सिर्फ फीमेल फैन है। मेरे साथ तो सिर्फ देखने के लिए, उनके तो कपड़े पड़े नोच लेते उस सिंगर के, सोनू के। मैं तो अभी बोलती हूँ, हाँ। मतलब लाइव बोलती हूँ ये बात कि मुझे ये पूछा भी जाता है, मैडम आपको कैसे लगता है, मैं कहा मुझे तो बड़ा मजा आता है, मुझे वाकई बहुत मजा आता है देख के। मेरी बीवी तुम्हारी तरह होती समझदार। क्या होता है कि एक बार ऐसा, वो तो मैंने कहा नहीं अभी मैं व्रत ले लेता हूँ, मैं किसी फीमेल के साथ बात नहीं करूंगा, दिखूंगा नहीं। तो एक बार फोन आया, तो नहीं उसको किसी ने फोन किया कि यार मैंने अभिजीत को देखा, कहाँ, मैं पता नहीं कहाँ, मैं कलकत्ता में था या दिल्ली में था या मे बी अब्रॉड था, अभिजीत एक कहीं पे कॉफी पी रहा था। अच्छा कौन थी उसके साथ? वो थी नहीं, कोई था। फिर थोड़ी एक दिन बाद फिर से किसी ने उसको फोन किया कि आज अभिजीत दिखा, कहाँ पे, वो कहीं पे शॉपिंग कर रहा था, कौन थी साथ में? नहीं कोई था। जब मैं होटल रूम में पहुंचा तो मैसेज था कि माय वाइफ कॉल्ड, कॉल हर इमीडिएट। मैंने उसको फोन किया तो बोलती ये तुम्हारी आजकल कौन सी नई फ्रेंड है? मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, मतलब शी रियली वांटेड कि मेरी कोई फ्रेंड हो, कोई फीमेल फ्रेंड हो। तो मैंने कहा नहीं कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं तुम मुझसे छुपा रहे हो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तुम आज किसी के साथ कॉफी पी रहे थे, तो मैंने नाम लिया, मैं अब किसी के साथ पी रहा हूँगा। और उसके बाद शॉपिंग किसके साथ गए थे? मैंने कहा ये था जान, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या हो गया, तुम अकेले हो, इतनी दूर हो, होटल में अकेले हो, सब कुछ है। उसके बाद भी तुम किसी आदमी के साथ, तुम्हारा सब नॉर्मल तो है ना, मैन के साथ हूं तो मेरी बीबी को टेंशन हो जाता है, फीमेल के साथ हो तो होटल, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा हूं करूं तो क्या करूं, रोऊं या हंसूं। ये गाना सुनाइए। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहां मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, तरत 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 तरत, कुछ बने जिंदगी के।